नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत। आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी में। आज तारीख है 31 अक्टूबर और दिन है दीपावली का। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, आज हमारे साथ बद्री विशाल एंड संस्कर मौजूद हैं। हमारे साथ ऑनर भी हैं और किसान भी हैं। देख सकते हैं आलू की कई वेराइटियाँ लगी हुई हैं। फिलहाल की बात करेंगे तो कुछ बिक्रियाँ भी यहाँ पर हुई हैं। किस किस रेट में बिक्री हुई, हालाँकि अगर मंडी की पोजिशन देखेंगे, पोजीशन आज कुछ शांति जैसा माहौल बना हुआ है। लेकिन माहौल तो, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है, इस वजह से थोड़ा माहौल डाउन है। लेकिन बिक्रियां तो हुई हैं। बिक्रियां किस किस रेट में हुई हैं, जैसा कि पता बताया था हमने आपको कि कल कुछ आलू के भाव सुधार आया था, आलू के भाव में सुधार हुआ था, कुछ करंट आया था। आज क्या रेट में आलू की बिक्रियाँ हुई हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ दादा हैं इस समय, दुकान के ओनर, इनसे जानकारी लेंगे। तो दादा आज बताएं क्या 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 रेट आज बिके आज भैया। सबसे पहले सभी किसान भाइयों, कोल्ड स्टोर मालिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आज आलू की पोजीशन गुल्ला भी अभी करा 15 रुपये से लगा के 18 रुपये तक, 15 से 18 रुपये तक। अच्छा दादा, कल ही मंडी में कुछ सुधार आया था मुझे लगता है, तो कितना रुपए का सुधार? कल उठान बढ़िया थी जी, क्योंकि आज के बाद मंडी बंद हो जाएगी जी। आज के बाद मंडी बंद, आज के बाद मंडी बंद हो जाएगी। सीधा कब खुलेगी? सोमवार को। सोमवार को खुलेगी मंडी जी। अच्छा, तो क्या क्या रेट आज, जैसे ये वाला आपने बेचा है, देख सकते हैं किसान भाई, इस आलू की बिक्री इस समय हो चुकी है और गुल्ला है और क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। तो दादा ये क्या रेट बेचे थे? 17 रुपये। 17 रुपये, देखिए किसान भाइयों, 17 रुपये। यही अगर देखा जाए तो परसों के दिन कुछ मंडी डाउन रही, लेकिन कल से सुधार हुआ है। कल से अभी मान लो 17 रुपये, और भी बेहतर रहेगा दादा, इससे तो 18 रुपये जाएगा। बिल्कुल बिक जाएगा, आज 18 रुपये बिक जाएगा। बिक जाएगा 18 रुपये। अच्छा, जैसे मोटे आलू हैं उसमें क्या क्या बढ़िया? आलू बिक रहा है 19 रुपये से लगा के 22 रुपये तक। 22 रुपये तक। अच्छा, सिंदूरी का क्या रेट दादा रहा? 21-22 रुपये। 21-22 रुपये। हाईलैंड आलू? हाईलैंड बिक रहा है 22 रुपये से लाके 24 रुपये तक। आज 24 रुपये पोजीशन पहुंच गया। तो मतलब कल ही सुधार हुआ है? कल ही से सुधार हुआ है। कितना रुपए? 200 रुपये पर मान लेते हैं। 1 से 2 रुपये किलो कल सुधार हुआ है 12 बजे के बाद से। 12 बजे के बाद हुआ है। जो सुबह बिका होगा वो मद्दा बिका होगा। मद्दा बिका। अच्छा, जो कल का बैलेंस, परसों का बैलेंस था, वो कल निपट गया था? पूरा नहीं निपटा था, कुछ आलू था, लेकिन आज निपट जाएगा सब। आज निपट जाएगा। अगर गाड़ियों की दिक्कत ना हुई तो आज सब निपट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आज हमें लगता है कि मंडी में कुछ चहल पहल थोड़ी कम है, हमें लगता है आमदनी भी बहुत सुस्त है। आमदनी भी कम है, व्यापारी भी कम है, गाड़ियों की दिक्कत है। आदमी कह रहा पहले गाड़ी मिल जाए तब मान लूं। बिल्कुल है, हाँ, क्योंकि सब छुट्टी भी चल रहे हैं ड्राइवर इस समय। अच्छा, चिकसोना का रेट क्या रहा दादा? चिकसोना 20 से 22 रुपए। 20 से 22 रुपए। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने नहीं मिला? नहीं, बढ़िया चिकसोना 23-24 रुपए। जनरली रेट 20 से 22 रुपए का। 20 से 22 रुपए। गुल्ली का कुछ रेट सुधरा है क्या? मतलब गुल्ली का 8 से 9 रुपए। 8 से 9 रुपए। हाँ, वो ये मतलब वो वहीं रहा है, मतलब जो बढ़िया आलू थे जिसके रेट ज्यादा डाउन हो गए थे उसमें सुधार हुआ। उसमें अच्छे आलू में सुधार 1-2 रुपए किलो का, बाकी सब गुल्ली तो वही रेट चल रही। तो दादा, जैसे कि दीपावली तक किसान काफी घबराए हुए थे कि भैया दीपावली के पहले जो है आलू का रेट डाउन हो गया, वो तो सुधार हो गया। अब दीपावली के बाद क्या लगता है? सुधार होगा। क्या जो पहले मार्केट थी वो वापसी हो सकती है? उतनी नहीं वापस होगी, कुछ सुधार होगा। मतलब मान लेते हैं कि हाईलैंड 26 रुपए तक, 25-26 रुपए बिकेगा। तो उम्मीद है, लाल में उम्मीद है, हाईलैंड में उम्मीद है। दादा, आपका तो कोल्ड स्टोर में काफी मालिकों से संबंध है, तो कोल्ड में क्या पोजीशन है अपने कानपुर क्षेत्र में? इधर कोल्ड स्टोर ना के बराबर आलू बचा है। ना के बराबर बचा आलू ना। खाने के लिए समय कितना है अभी? खाने के लिए भी पूरा नवंबर चाहिए आलू। नवंबर पूरा चाहिए? पूरा नवंबर चाहिए, चाहिए आलू। तो ऐसा तो नहीं कहीं संभावना बन रही कि माइनस हो जाए आलू? महाराष्ट्र साउथ में क्वालिटी में तेजी आएगी। अच्छा दादा, अपने यहाँ जैसे नया आलू आना स्टार्ट हो जाता है तो वो कब से स्टार्ट होगा? जैसे बाहर पंजाब का भी आ जाता है इधर? पंजाब तो चालू हो जाएगा। पंजाब का चालू हो जाएगा, नवंबर आखिरी है, दिसंबर शुरुआत चालू हो जाएगा लोकल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या। तो देखिए किसान भाइयों, लगातार जो है आलू की बिक्रियां चल रही हैं, गुल्ले के रेट जो सुधर चुके हैं और 16 रुपए से 18 रुपए किसान भाइयों बिक्री चल रही है। देखिए ये गुल्ला है और सेकंड क्लास का है और इसकी बिक्री भी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आलू थोड़ा सेकंड क्लास का है तो इसकी बिक्री थोड़ी डाउन रहेगी। बाकी किसान भाइयों, सिंदूरी वगैरह का जो बीजा है वो काफी अच्छा खासा रेट बिक रहा है। और किसान है भैया, कोई किसान है तो एक आध किसान से भी बातचीत करते हैं हम। किसान नहीं है तो किसान भाइयों देख सकते हैं लगातार जो है आपको हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि गुल्ला का जो रेट है, ये देखिए ये वाला जो रेट था इसका, ये 17 रुपये में बिका है। देखिए 17 रुपये में इसका बिका है। और हाईलैंड आलू है वो भी कहीं ना कहीं 24 रुपये तक का रेट पहुँच गया है। और वहीं अगर किसान भाइयों चिप्सोना आलू की बात करते हैं तो चिप्सोना आलू के रेट भी अब सुधरते नजर आए हैं, मतलब 22 रुपये तक का बिका है। और क्या रेट भैया ये वाला, क्या रेट बिका ये वाला? आप ही लिए हो, व्यापारी हैं? अच्छा, व्यापारी हैं तो आपसे बातचीत थोड़ी हो जाए। भैया आप बताएं, अब कब से सुधार आया है मंडी में? कल से। कल से। अच्छा, कल अगर देखा जाए क्या कितना रेट टाइट हो गया? 2 रुपया
2 रुपए में 200 रुपए प्रति क्विंटल। आज भैया आज में कोई बदलाव तो नहीं हुआ? नहीं, कल वाला जैसा है लगभग, कल ही वाला है। तो कल जैसे 12 बजे के बाद थोड़ा टाइट हुआ था, आज लग रहा है थोड़ा बहुत टाइट हो जाएगा। आज कल वाले रेट में बिक रहा बुल्ला। अच्छा व्यापारियों के लिए गाड़ी थोड़ी समस्या बन रही है? गाड़ी समस्या बन रही है, माल भी यहाँ नहीं है ना? माल नहीं है, आज आमद भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो आने वाले समय की दीपावली की बात कर लग रहा है और सुधार होगा? तो सुधार होगा। अच्छा तो डिमांड कैसी मंडियों में अभी? डिमांड है। हाँ, डिमांड है। तो और बात और बढ़ेगी मेरे? बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा मंडी की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन काफ़ी सुस्त है आज। देखिए चारों तरफ आप देखेंगे अगर तो ज़्यादा जो है गाड़ियाँ नहीं हैं। इस समय सुबह का टाइम है और आज 31 अक्टूबर है और दिन बृहस्पतिवार है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों खाली है। भैया कितनी आमद होगी लगभग? 30 से 35 गाड़ी बस। कल का बैलेंस मिला के? ना, बैलेंस साफ है। बैलेंस साफ है पूरा? बैलेंस मतलब आज का 30-35 गाड़ी? आज का 30-35 गाड़ी। तो आज का किसान भाइयों 30-35 गाड़ी भाई साहब बता रहे हैं, जैसे कि 30-35 गाड़ी तो ना मात्र की बिल्कुल आमद है। और त्यौहार का समय है तो मुझे लगता है कि आलू तो है लगभग जो है आज बिक्रियाँ पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है किसान भाइयों आप भी बताइएगा। बिक्री आज जो है सुबह से ही स्टार्ट हो चुकी है, दिवाली कल ठीक रही इस वजह से पूरा आलू जो है निपट गया और उसी के साथ साथ आज बिक्री भी कोई बदलाव नहीं है। कल का जो रेट मंडी में उछाल आया था 200 रुपये का प्रति क्विंटल का, तो वही उछाल के साथ आज भी बिक्री देखने को मिली है। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों आप हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।